अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नॉलेज शेक। नॉलेज शेक के नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ कि जिस अमल को करने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करेगी तो अल्लाह तबारक व ताला आपको रिस्क से माला माल फरमा देगा और रिस्क में बरकतें भी होगी। नाज़रीन, ये ऐसा रूहानी अमल है जो अपनी तरफ से नहीं बताते, बल्कि ये जो अमल है और ये जो वज़ाइफ हम बताते हैं ये बुज़ुर्गान दीन के बताए हुए ये अमल होते हैं। नाज़रीन, अगर यकीन कामिल के साथ सच्चे दिल से अगर इन वज़ाइफ को अगर आप करते हैं तो यकीनन इसका जो असर है वो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाता है। नाज़रीन, अमल बताने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप रिस्क में बरकतें चाहते हैं और रिस्क में फरावानी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिस्क बढ़े, तो नाज़रीन एक काम आप डेली करें और वो काम ये है कि आप जो है गरीबों में और रिश्तेदारों में आप जो है अपने पैसे जो है वो खर्च करें और गरीबों का ख़ास ख्याल रखें। डेली सदका आप अल्लाह की राह में देते रहे, जब आप सदका देंगे तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में फरावानी अता फरमा देगा। तो नाज़रीन, अब आइए उस अमल की तरफ बढ़े, उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दें। आइए अमल की तरफ बढ़ते हैं। अमल का तरीका ये है कि आपको एक तस्बीह ले लेनी है और तस्बीह लेने के बाद आपको पहले दाने को अपने हाथ में रखना है और उसके बाद आपको ये पढ़ना है, कुल्लू मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। नाज़रीन, ये एक दाने पर पढ़ना है, उसके बाद दूसरे दाने पर फिर यही पढ़ना है, कुल्लू मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इस तरीके से पूरी तस्बीह में ये आयत करीमा आपको दोनों एक साथ पढ़नी है और अवल आखिर आप चाहे तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। तो इस अमल को जब आप कर लें उसके बाद रिस्क के हवाले से, रिस्क में बरकत के हवाले से, किसी भी तरह की परेशानी के हवाले से आप दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।